press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. खुशी को किस तरीके से हम जाहिर करें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मेरे लिए एक सरप्राइज पैकेज था। अभी प्रतिभा पांडे जी और हमारे सीनियर भी हैं ये, और इनके तरफ से एक बोले तो गिफ्ट रहा मेरे लिए। मेरे को कुछ अता पता नहीं था इस चीज़ का, क्योंकि मैं जब मुंबई अभी आया तो ये घर से निकला तो मम्मी पापा बोले कि चलो हम यहाँ पे पूजा पाठ कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने सरप्राइज़ दिया बहुत अच्छा लगा। और ओम सर आए जिनको हम हमेशा सुनते आ रहे हैं गानों के माध्यम से और म्यूजिक के माध्यम से, और संजय भी आए, सब कोई आया और आप लोग आए, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है। और सारे लोग जितने भी लोग आए हैं दिल से धन्यवाद है आप लोग को। तो प्रशांत जी, किससे प्रेरित होकर आप इंडस्ट्री में आए हैं, कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे प्रेरित होकर एक्टिंग में आए हैं, खासकर भोजपुरी इंडस्ट्री में आए हैं, कौन ऐसा अभिनेता है जो आपको बहुत आकर्षित करता था बचपन से? हाँ, रहा बात आकर्षित करने का, तो शुरू से एक मेरा मैं बचपन में जब मेरी उम्र बहुत ही कम थी, जब नहीं समझ में आता, लेकिन एक चीज़ था मेरे अंदर कि लोग पूछता था कि क्या बनोगे, मम्मी पापा चाहे घर के लोग पूछते थे तो हमारा एक ही जवाब होता था, मनोज तिवारी हमारा बनने के बाद, बस उनका नाम आता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण अगर कहा जाए तो उतना अच्छे से मिल नहीं पाए हैं अभी तक। कहाँ रहने वाले हैं? हम आरा से हैं, और आरा में एक शहर में ही रहते हैं, लेकिन अभी एक गांव है हरिगांव, हमारे गांव का नाम है, और ठीक वहाँ के तो आप जानते ही हैं पवन सिंह जी को, और वहाँ से हमारे
आरा के कोहिनूर भाई है जहां से मॉरिशस के प्रधानमंत्री जुड़े हुए थे। हां जी हां जी हां जी सही बात है। आरा जी जहां अब हमारी भोजपुरी मॉरिशस में जाके अभी पताखा लहरा रही है वहीं के हम निवासी हैं, जहां के हमारे गांव के हैं वहां पे मॉरिशस के प्रधानमंत्री अभी थे कुछ दिन पहले। अभी प्रदीप भाई आपसे हम चाहूंगा कि क्या कहना चाहेंगे, मतलब अभिनेत्री भी हैं, आप प्रोडक्शन कंपनी भी खोल रखा है, गायकी भी करती हैं, और क्या रुचि है आपको इसके बारे में, प्रशांत जी का जो बर्थडे है उनके बारे में बताइए कि क्या कहना चाहेंगे के बारे में। मैं सबसे पहले आप लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि फिल्में तो मैंने बहुत की है, और आपके जितने भी स्टार लोग हैं, चाहे पवन जी हों, रवि किशन हों, दिनेश जी हों, सभी लोगों के साथ काम कर चुकी हूँ। और मेरा मेन यही था कि मैं इवेंट और शो करती थी पहले, तो अभी मैं फिल्मों के बाद मैं फिर यही इवेंट और सिंगिंग मैंने स्टार्ट किया है, और बहुत अच्छा गाते हैं प्रशांत जी। तो ख़ास तौर से मैंने इनको बुलाया है मेरे चैनल के लिए, ये गाना गा रहे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, जो कि अभी आप लोगों ने सुना डबल भतार वाला, और मेरा भी धोबी गीत मैं पहली बार गा रही हूँ। और मेरा चैनल है प्रतिभा एंटरटेनमेंट यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपना प्यार दें, और उसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, और सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, तो इसके लिए सबके सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। और हमारे ओम जी आए हैं, हमारे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर, हमारे धनुर्धर बहुत आप लोग तो जानते ही होंगे, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आए हैं हमें प्रशांत जी को बधाइयाँ आशीर्वाद देने के लिए, और मुझे भी बधाइयाँ देने के लिए प्रतिभा एंटरटेनमेंट के लिए। तो प्रतिभा जी, जब से आप इंडस्ट्री में अभिनेता लोगों से काम किया है, तो क्या कहना चाहेंगे किसके बारे में, खेसारी जी, पवन जी और दिनेश जी हैं अभिनेता के तौर पर देखा है, तो इनके बारे में कुछ बताइए क्या खास नजर आती है आपको। जी रवि किशन जो हैं वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं शुरू से उनको मानती हूँ, और पवन जी जो हैं उनकी सिंगिंग मैं बहुत पसंद करती हूँ, लोग उनकी एक्टिंग पसंद करते हैं लेकिन मुझे उनकी सिंगिंग बहुत पसंद है। और कल्पना जी जो गायक हैं उनको मैं बहुत लाइक करती हूँ, और नए नए जो लोग आए हैं जो काम कर रहे हैं वो भी अच्छे हैं। तो हाल फिलहाल में खेसारी जी का एक एल्बम बहुत यूट्यूब पे काफ़ी वायरल हो रहा है, और कौन सा वाला गाना सर? सारी पहन के नाच रहे हैं वो, उसके बारे में बताइए। सर मैं उनको तो ज़्यादा मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन हाँ उनका नाच मुझे बहुत पसंद है। अच्छी बात है ना, उनका नाच मेरे घर में सब, यहाँ तक कि जो लंदन में इधर उधर जो लोग पढ़ते हैं हमारे फैमिली में हैं, वो लोग भी उनका नाच के खेसारी जी का पसंद करते हैं, जो वो ठुमका मारते हैं, नाचते हैं जो ऐसा साड़ी करके, तो वो बहुत अच्छा करते हैं। मैं इनको तहे दिल से बहुत मतलब आशीर्वाद दे रही हूँ इनको, ये मुझे बड़ा समझते हैं या मतलब सीनियर समझते हैं, तो मैं आशीर्वाद देती हूँ, ये सारी दुआएं देती हूँ कि ये बहुत आगे बढ़ें और नए कलाकार एक उभरे हमारे इंडस्ट्री में, और अच्छे गायक हैं। हम सर से भी निवेदन करेंगे कि आप मौका जरूर दें सर प्रशांत जी को, और आगे बढ़ें, बस यही मैं आशीर्वाद। प्रशांत जी को तो पहले सबसे पहले मैंने शुभकामना देना चाहूँगा उनके बर्थडे पे, और इनके जन्मदिन बहुत खास हुआ आज, प्रतिभा जी भी साथ में, और इनका एक एल्बम आया है मैंने सुना है अभी, प्रतिभा एंटरटेनमेंट जो प्रतिभा जी का चैनल है, और वो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो हमारी बहुत बहुत शुभकामना है आपके लिए, आपके कैरियर के लिए भी, और प्रतिभा जी आपके लिए भी कि आपने एक नया चैनल शुरू किया है, और हम सब ज़रूर सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करें, ऐसे ही उम्मीद करता हूँ मैं सबसे। थैंक यू राम जी, आज आपका जन्मदिन है, कहाँ कहाँ शुभकामनाएं सभी? लगभग जितने अभी इंडस्ट्री के लगभग लोग तो अभी बाहर है, आउटडोर पे है, शूट पे हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल के वजह से तो बहुत लोग शूट नहीं कर पा रहे थे, तो लगभग अभी 2021 में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी फिल्में अभी शूट हो रही हैं, तो लगभग लोग बाहर है, हम सबको कॉल भी किए लेकिन सबको ही आउटडोर रहने होने के बाद मतलब वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए, लेकिन दिल से उन सबने किसी ने फ़ोन से
किसी ने फेसबुक के माध्यम से अलग अलग तरीकों से हमको आशीर्वाद दिए और बहुत अच्छा लगा। आपके जिला के आसपास में तीन बड़े सुपरस्टार हैं जो मार्केट में ज़्यादा धूम मचाए, पहला पवन सिंह, राकेश मिश्रा और प्रमोद प्रेमी जी। हाँ, अब आगे ये भी धूम मचाएंगे भाई। अभी आप तीनों में सबसे मौका दीजिए, आप लोग आशीर्वाद दीजिए, है ना सर। अभी तो अगर देखा जाए तो बजने के माध्यम से अगर देखा जाए तो अभी ठीक ठाक बज रहा है, अभी राकेश जी का गाना बज रहा है, ऐसे सबका बज रहा है, नो डाउट सबके अलग अलग पसंद फैन है। और अभी जो अगर देखा जाए तो टीवी मेरे को उतना याद नहीं है, लेकिन ऐसे कुछ था कोरा में साट के उलाट के पलाट के दिल बड़ा दहिया तू, पे मैडम भी गाई है गाना। कौन सा बोला? अरे टन टन करता जवानी के टावर, इनका जो वो वोकल आया है ना एकदम प्योर मस्त लग रहा है। स्केल थोड़ा चेंज हो गया लेकिन मैं सुना रहा हूँ आपने, इसके बाद आप गाइएगा। टन टन करत जवनिया के टावर भइल बा मनवा लसोर आवना रजे अमे राजा कथा त बदन पर पर आवना रजे अमे राजा। तो हम लोग दोनों में ये भी प्रतिभा एंटरटेनमेंट पे ही गाना आया हुआ है, लगभग हमको लग रहा है कि अभी शूट हो गए हैं ढेर सारे वीडियो, अभी आई है कुछ गाने और आने वाले भी हैं। तो हम यहीं से आएंगे आप लोग के माध्यम से, जो भी लोग आपके चैनल को देखने वाले श्रोता हमारे जनता जनार्दन, जिनको सारे कलाकार अपना भगवान मानते हैं, यहाँ तक कि नेता अभिनेता के लिए जनता ही जनार्दन है। और हम तो यहीं कहेंगे कि आप लोग इस प्रतिभा एंटरटेनमेंट चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और थोड़ा हमको अधिक दीजिएगा। आपने सबसे ज्यादा सारी जी के फिल्मों में म्यूजिक दिया है, प्रोमो का म्यूजिक दिया है, आपके अनुसार कोई हिट गाना आज में कौन सा आने वाला है, बताएं। नहीं, फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं, अभी कौन सा हिट होगा ये तो मुझे नहीं, हम अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश करते हैं। लेटेस्ट हिट गाना कौन सा आपका? लेटेस्ट बहुत सारे हैं, जैसे खेसारी जी के भाग, खेसारी भाग के गाने बहुत चले थे, राजा ऐसे काहे देखा तारा हो, और बहुत सारे गाने बलम जी के सारे गाने, 100 में से 90 को धोखा देती या डाल के केवाड़े में के लिए, बहुत सारे। पांडे जी ने अभी तक किसने को धोखा दिया अभी तो यही बता पाएंगे, मुझे तो धोखा दिया नहीं क्योंकि उन्होंने शुरू से मेरे साथ गाया और आज भी गा रहे हैं। हम ना किसी से दिल लगाते हैं ना हम किसी को धोखा देते हैं, लोग देते होंगे, मैं नहीं देती धोखा। अब तो इनके हिसाब से गाना बना लेंगे, हम तो खुद ही चले जाते हैं, हम किसी को धोखा न देते हैं न लेते नहीं। एक गाना की तरफ से सर, एक गाना। अच्छा मेरा बलम जी का मैं सुना सकता हूँ। देह टूटे लागे दरा दरा तारा ऐसे बारी न माचिस के तेली डाल के केवाड़ी में खिली कहीं सूत के मिली ना 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 अरे डाल के केवाड़ी खिली कहीं सूत के मिली। ये क्या मिजाज है, क्या मिजाज जी, शादी का लोग करवाते हैं मेरे शरीर में जब तक खून है दम है, मैं चाहूंगी कि नए नए कलाकार उभरे, नए नए लोग आए और इस इंडस्ट्री में अपना जगह बनाए, और मैं भी अपना जगह बनाती रहूं, बनाने की कोशिश करती रहूंगी, है ना सर। बस मैं चाहती हूं सभी आगे बढ़ें और लोग बढ़ने दें। वो तो कब का राज खुल गया यार। खोलूंगी राज, करूंगी पर्दाफाश, ये तो कब का खुल चुका, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आगे भी कुछ पर्दा खुले, कुछ राज आए, और आएगा, समय आ रहा है। आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के लड़कों के लिए कुछ करना चाहती हैं? बस सबको प्रणाम, और आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए, आशीर्वाद दीजिए सबको, हाथ जोड़ के धन्यवाद करती हूँ,
बस मुझे यही चाहिए, आप लोग का साथ चाहिए। 14 तारीख को वैलेंटाइन डे भी है, काफी दिन लोग हमसे लगा चुके होंगे, उनके लिए कुछ मिलेगा? मेरा प्यार बहुत सारा। क्या कुछ खास होने वाला वैलेंटाइन डे आपके लिए? आप ही लोग करेंगे जो करेंगे, खास हमारी तरफ से मैं क्या खास करूं, आप ही लोगों का प्यार है वही मेरे लिए खास है। कुछ नए नए गाने और आ रहे हैं, अच्छे अच्छे वीडियो आ रहे हैं, मैं सबको और प्रशांत जी ने उसमें मॉडलिंग की है और मैंने मेरा गाया हुआ सॉन्ग है। जहाँ तक हम लोग कलाकार हैं तो कला के माध्यम से ही बहुत खूबसूरत वीडियो बने हुए हैं, जब देखने को मिलेगा अब बहुत जल्द प्रतिभा एंटरटेनमेंट। हीरो पर्दे में कब तक आ रहे हैं? देख रहे अभी तो कुछ लोगों से बात हुई है, लेकिन अब क्या होता है कि जब तक खाना बन के तैयार नहीं हो जाता हम कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आप लोग का साथ और आप देखने वाले सारे जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा तो वो भी दिन दूर नहीं है, जरूर कुछ अच्छा होगा और बेहतर होगा। ये लीजिए दोनों लोग को। आइए, मैं नीचे हो रही हूँ सर, ठीक है चलेगा। ओम भैया आइए अभी। ओम भैया जी के बारे में दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ संजय भूषण पटियाला और हमारे साथ देखिए एक नया चमकता दमकता हीरो भी आने वाला है, जिसका नाम है प्रशांत जी और आज इनका जन्मदिन है और एक नई हीरोइन मैं लेकर आ रहा हूँ प्रतिभा पांडे जी को। वो प्रतिभा पांडे नहीं, दूसरी प्रतिभा पांडे, डुप्लीकेट है ये वही है। नहीं नहीं मैं डुप्लीकेट, ये वही है जो आज तक राज खुला कि नहीं खुला मेरे को पता नहीं चला, खोलूंगी राज 3 जनवरी को, इतना मुझे याद है। क्या क्या हुआ इनके साथ, क्या क्या नहीं हुआ मुझे अभी तक पता नहीं चला। 3 जनवरी को याद है आज भी। उस वक्त मैं स्ट्रगल कर रहा था और इतनी ठंडी थी उस वक्त कि मैं क्या बताऊं, कई लड़के लगे हुए थे गाड़ी है, इधर कभी बॉम्बे यूपी जा रही है, कभी बिहार जा रही है, हर जिला में हम लोग उसका पोस्टर साट रहे थे। आप तो बम्बई में मतलब एक मीडिया के लिए बहुत बड़ा एक मिसाल रहा है। हाँ। ये वही संजय जी हैं जो रात भर हमारे लिए आंखों में पानी छिड़क छिड़क के काम किए, रात भर जगते थे हमारे लिए, बहुत काम किए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। सूरज, थैंक यू सो मच। सूरज नाम था ना, सूरज को, सूरज जो बहुत लगे हुए थे बनारस के थे और काफ़ी मेहनत हम लोग उसके लिए किए थे, उसका नाम था पिक्चर का था हमरा से ब्याह करब, और भोजपुरी के सुपरस्टार मेगा स्टार रवि किशन जो फिल्म के हीरो थे, सिरदर्द सेठी डायरेक्टर थे जी, याद है थोड़ा थोड़ा बिल्कुल, और मैडम हीरोइन थी उस वक्त, मतलब पटना में एक बोलते हैं मीडिया के बीच में एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था कि क्या क्या होने वाला, इतनी होर्डिंग लगे हुए थे उत्तर प्रदेश और बिहार के सड़कों पर और सिटियों में कि मैं खुद गिनती नहीं कर सकता था। तो उस वक्त से प्रतिभा जी को मैं जानता हूँ और क्या था, क्या हो रहा था, कौन कौन थे मेरे साथ, क्या क्या हुआ, खोलूंगी राज करूंगी पर्दाफाश, यही बस ये टैगलाइन हम लोग पब्लिसिटी का नया स्टंट बना था, एक फिल्म आ रही थी इनका हमरा से ब्याह करवा, तो ये कुछ हफ्ते पहले ये होर्डिंग को हम लोग डाले थे पूरा उत्तर प्रदेश और बिहार में, और जब जिस दिन पिक्चर रिलीज होने वाला था हीरोइन नहीं थी, मुझे कोई नहीं जानता था, कौन इनके दो आंखें थी जिसमें एकदम लोर टपक रहे थे, एकदम लाल लाल थी, दो आंखें थी बड़ी सी, और मीडिया में तो बहसबाजी था ही, साथ में पुलिस वाले और नेता परेशान थे कि क्या हुआ इसे, किसका राज खोलने वाली है पता नहीं। जिस दिन पिक्चर रिलीज होने वाला था उस दिन सबको होर्डिंग हटा के वहाँ लिख दिया गया हमरा से ब्याह करवा, तो मीडिया वालों ने छापा क्या था हेडिंग मुझे आज भी याद है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। अरे क्यों ऐसा कर रहे, मतलब ये वही चुहिया है जिसको हम लोग पहाड़ खोद के निकाले थे पोस्टर फाड़ के। और एक और लड़की थी उसमें बहुत चर्चा की, सोना बत्रा, उसको मुझे याद है जब लगता है कई हॉल में हम लोग जाके शो किए थे उसको लेकर के, और आज हमारे प्रशांत भाई का जन्मदिन है तो उस वक्त पे पहला बार हम प्रतिभा के साथ आज लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं क्यों, और उस वक्त मैं हमेशा कैमरे के पीछे होता आज आगे बैठ गया वो। और प्रशांत भाई को जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं दूंगा, और प्रतिभा जी का जो चैनल है प्रतिभा एंटरटेनमेंट उसको सब्सक्राइब करिए, और नए गाने हमेशा कुछ ना कुछ डालते हैं तो सुनते रहिए, नए लड़कों के लिए ऑफर है कि अपने गाने इनसे इनके चैनल पर डाल सकते हैं, उस पर नंबर दिया हुआ है, मेल दिया हुआ है, उस पर कॉन्टेक्ट करके अपने नए गानों को इनके द्वारा रिलीज करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू क्यों भाई, और इसके बाद हम लोग पार्टी का डांस करने वाले हैं, वीडियो लास्ट में देखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच। अभी केक कटेगा, अभी केक कटेगा, केक कटेगा, समय बटेगा,
14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मैं चाहूंगा इनके लिए एक नया बॉयफ्रेंड खोज रहा हूँ, कैमरा में कोई मिले तो इनको फेसबुक को संपर्क करिए। ताने मार रहे हैं क्या? देख लीजिए क्या बोल रहे हैं भैया, हमारा ब्याह हो गया, हम कुछ बोल नहीं सकते। आपके ब्याह के एक एक वर्ड हमको याद है। और हमने भी आज बनाया था पिक्चर, हमरा से ब्याह करवा दिले, ब्याह नहीं हुआ। के भैया का जो टीका हुआ था उसके के जो किडनैप कर लिया था इन्होंने। चलिए थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू सर। देखिए सबसे पहले तो प्रशांत जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ईश्वर जहाँ भी रहें एकदम ऐसे ही बुलंदी पर रहें, बहुत बढ़िया गाते हैं और ये हमारे फेवरेट सिंगर हैं। ये बच्चा जब छोटा था तो हमने पहली फिल्म में गाना गवाया था, मैं नागिन तू नगीना, आपको याद है? जी जी, और बड़ा टफ गाना था और बहुत अच्छा इन्होंने निभाया, तो बहुत अच्छा, मैं एकदम दिल से चाहता हूँ। अब मजबूरी है कि ये इधर रहते नहीं हैं और हम चाहते हैं कोई भी सिंगर हमारे सामने गाए, तो अभी तो बड़ा खुश हुआ मैं कि चलिए मुंबई में आ गए। मुंबई में हाँ मतलब एकदम एडोलेसेंस में थे, बचपन और जवानी के बीच वाला इनका उम्र था उस समय। अभी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनके लिए, अभी कल भी इनसे गाना गवा रहा हूँ, कुछ गाने आए हैं, तो हमारा भाग्य है कि भाई आ गए। मेरा बहुत अच्छा गाते हैं ये। प्रतिभा जी का तो मैं फैन हूँ, प्रतिभा जी बहुत अच्छी, एक मतलब एक सेल्फ एस्टैब्लिश एक एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा आत्मसम्मान इनमें बहुत अच्छा है, सारी मैंने और, सर की फिल्में की है। और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं और बहुत अच्छी गाती भी हैं। इनका बहुत अच्छा गाती भी हैं, तो इनका जो चैनल है, जो म्यूजिक कंपनी इन्होंने खोला है, प्रतिभा इंटरटेनमेंट, हमारी भी इच्छा है कि हम लोग भी कुछ करें आपकी कंपनी के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस लॉकडाउन में हमने देखा ना कि कोई भी इंडस्ट्री में उतनी ये नहीं हुई, उतना ग्रोथ नहीं हुआ, भोजपुरी बहुत ग्रोथ कर गया, अभी लॉकडाउन भी रहा ना, तो डिजिटली इसका बड़ा अच्छा मार्केट है, डिजिटल सर्च करने वाले सर्चिंग बहुत अच्छा है इसका। अभी तो मैं इन लोगों को शुभकामना देने आया हूँ और मैं इनके साथ जुड़ के हम भी कुछ करेंगे इन लोगों के लिए, बड़ा अच्छा अच्छा गाना भी ये भी मुझे सुना रहे थे। ये बेसिकली इनमें गायकी है, जैसे हम भी पहले गज़ल गाते थे तो गज़ल टाइप का कंपोजिशन मैं बनाता हूँ, पवन जी बहुत अच्छा गाते हैं तो ये भी बड़ा अच्छा गाते हैं उस टाइप की गायकी वाला गाना, तो इनको मैं सजेशन करूँगा कुछ गायकी वाला गाना गाइए, ताकि दुनिया सब लोग खाली एकदम पेपी ही सॉन्ग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग ऐसे भी सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो कि एकदम आत्मा के करीब हो, तो ऐसे गाना ये बड़ा अच्छा गाएंगे। जी जी वेलकम। मेरे आदरणीय है और गार्जियन है, क्योंकि मैंने करियर पहली बार मुंबई इन्हीं के डायरेक्शन में गाया हूँ आके, तो मैं चाहता हूँ एक गाना। अरे हम का गाना गा, अरे मैं हरल थाकल हूँ, हरल जो भी हूँ मैं चाहता हूँ। गुनगुना दीजिए, हम लोग का मन खुश हो जाएगा। हमारा तो कोनो गाने में नहीं याद रहे, चूंकि हम तो गाना बने के पहले गाई लो गाना, जब बन जाला तो भुला जाएगा। एक गावत रहनी रहो गानवा जी। कौन गाना? हारमोनिया बजाओ तनी एक जगह, भौजी वाला। अच्छा एक ही गाना सुना दी अभी, लव के जो का चला था वैलेंटाइन डे हफ्ता, तो वैलेंटाइन डे गाना सुना दी, गाना हमार बड़ा पॉपुलर रहल बा, एक गाना हमार पसंदीदा बा। कौन? एक पल में मिला के न जाए एक पल में मिला के नजरिया, तू समा गईलू दिल के भीतरिया, साथ छूटे नहीं कब है, है? साथ छूटे नहीं को तुहसे अब तक जन्म जन्म ले ला हम स
से कसम, एक पल में मिला के नजरिया, तू समा गई लू दिल के भीतरिया। क्या बात है, क्या बात है। कि जिससे कुछ गाने हैं जिससे गर्व फील होता है कि भाई ये हमने बनाया है, और जो सिंगर भी गाते हैं उनको भी गर्व फील होता है, और ये गाने हर लोग नहीं गाते हैं। तो सक्सेस, आप लोग भी ऐसे गानों का बढ़ावा दीजिए, ऐसे गाने को आप लोग भी प्रमोट कीजिए। अरे थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं प्रशांत जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ये अपने जीवन में नित नई उन्नति प्राप्त करें, नई ऊंचाइयों को छुएं। ये बिहार से हैं, सिंगर हैं, भोजपुरी में अच्छा नाम करें, अच्छे गाने गाएं, और अच्छी पर्सनालिटी है, और ख़ासकर हमारे भोजपुरी में सिंगर्स हीरो हैं, यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे इंडस्ट्री के एक हीरो बन के, नायक बन के उभरे, ये कामना है हमारी। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।